सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी इस समय पूरी तरह एक्शन में है। शुक्रवार और शनिवार को एनसीबी ने तीन बड़ी गिरफ्तारियां की। रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। इसके अलावा सुशांत के स्टाफ मेंबर दीपेश सावंत को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन तीन बड़ी गिरफ्तारियों के बाद अब एनसीबी के निशाने पर रिया चक्रवर्ती है। इस बीच रिया के वकील सतीश मान शिंदे का बयान आया है, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस की ओर से पक्ष रखा है। आपको बता दें कि रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा, रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है, उन्होंने अग्रिम जमानत नहीं दी है। अगर प्यार करना गुना है तो रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है। मान शिंदे ने इससे पहले भी कहा था कि रिया और शोविक ने कोई ड्रग्स नहीं लिया, दोनों ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने शोविक को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। शोविक के व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ था कि वो ड्रग्स के लेन देन में शामिल थे। इस मामले में सतीश मान शिंदे ने दावा किया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। आपको बता दें कि सतीश मान शिंदे ने शनिवार को कोर्ट में कहा कि 20 साल की उम्र से सुशांत सिंह राजपूत मानसिक परेशानी से गुजर रहे थे। वो रिया से मिलने से पहले से ही ड्रग्स लेते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान भी सुशांत ने ड्रग्स ली थी। उस वक्त रिया उनकी जिंदगी में नहीं थी। इससे पहले रिया ने भी एक इंटरव्यू में यही बात कही थी कि केदारनाथ की शूटिंग से पहले से ही सुशांत ड्रग्स लेते थे। सुशांत नियमित तौर पर गांजा लेते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में जवाब देने के लिए नहीं रहे हैं। अब उनके जाने के बाद लोग काफी बातें बना रहे हैं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अब दुनिया को सिर्फ और सिर्फ सीबीआई पर ही भरोसा है। दुनिया चाहती है कि सीबीआई जल्द से जल्द सुशांत के कातिलों का पता लगाए, चाहे फिर वो रेहा चक्रवर्ती हो या फिर कोई और बॉलीवुड स्टार या फिर उसके घर वाले, पर जल्द से जल्द सुशांत के कातिलों का पर्दाफाश हो। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।